नितेश सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक तो आपने M&M में दिया है शॉर्टिंग की सलाह, इसके अलावा भी कोई ऑपर्चुनिटी? सर स्टॉक स्पेसिफिक ना, मैं एक GMR इंफ्रा को ट्रैक कर रहा हूँ क्लोजली, उसका मैं क्लोज 38.50 या फिर 39 के ऊपर अगर ये निकलता है ना, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से मैं देखना इसको पसंद करूंगा। क्योंकि अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखेंगे या फिर आप वीकली चार्ट भी पहले देख लेना, तो उसमें थोड़ा सा 34 के आसपास बेस बनते हुए मुझे लग रहा है, और 38.50-39 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये निकल जाता है तो हम लोग एक काफी बड़ा इसमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो GMR इंफ्रा के ऊपर क्या करो, ध्यान रखो, जैसे कि हम लोगों ने 33 के आसपास NHPC को रेकमेंड किया था, वो 46 तक चला गया, तो वैसे ही मुझे GMR इंफ्रा में लग रहा है कि मोमेंटम यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, 36 या फिर 36.50 का स्टॉप लॉस रखें। दो बार शायद आपको ट्रेड लेना पड़ सकता है, समझो पहले अगर मार्केट गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो अगर फिर से ये 38.50 के आसपास चला जाता है तो फिर से हमें री एंट्री करना पड़ेगा। तो सोच समझ कर पोजिशंस, हल्की पोजिशंस बनाएं, क्योंकि देखो ट्रेड आपका पैसा है, आपको समझदारी के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 10 लॉट 20 लॉट बोल के जाऊंगा, लेकिन पैसा आपका है, आपको संभालना पड़ेगा। तो आपको जितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं उतना ही इसमें क्या करो, पोजिशंस। तो ये है राय GMR इंफ्रा पे, जो कि नितेश सर कह रहे हैं, लेकिन जरूर डिसिप्लिन जरूर ध्यान रखें और रिस्क मैनेजमेंट प्लस अपने पर्सनल एडवाइजर से भी कंसल्ट एक बार कर लें।